में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बता देते हैं अगली बड़ी खबर जो कि उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी के सहस्त्रताल मामले में बड़ा अपडेट आप जानिए। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, मृतकों का आंकड़ा 9 बताया जा रहा है। सहस्त्रताल ट्रैक हादसे में 9 ट्रैकर्स की मौत हो गई है, 13 ट्रैकर्स का रेस्क्यू सफल कर लिया गया। मौके पर फिलहाल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम्स जुटी हुई हैं। मौसम में खराबी के चलते ट्रैकर्स दरअसल फंस गए थे। इस पूरे घटना पर सीएम धामी की ओर से दुख भी व्यक्त किया गया है। कुछ ट्रैकर्स अभी भी ऐसे हैं जो कि लापता हैं, जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस पर ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं। मेरे साथ महावीर राणा ज्यादा जानकारी के साथ उत्तरकाशी से हैं। महावीर, लेटेस्ट अपडेट क्या है फिलहाल? रेस्क्यू ऑपरेशन क्या अभी भी चल रहा है? जी, मैं बताना चाहूँगा, जो ये बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें जो है 22 लोग जो है एक ट्रैकर सहस्त्रताल ट्रैक पे जा रखे थे, उसमें से जो है 13 लोग जो है सुरक्षित पहुंच गए हैं, जिनको हेली के माध्यम से पहुंचाया गया है। और अभी मैं बता दूं, जो 4-5 लोगों की कल तो बॉडी आ चुकी थी, जो 5 लोग वहाँ पे डेथ हो गए थे, मगर अभी जो सूत्रों से पूरी जानकारी मिली है, जो वहाँ के घोड़े खच्चर वाले जो साथ में जो ट्रैकर गए थे, जो उनके गाइड और पोर्टर से उनकी जानकारी मिली है कि 4 लोग जो है जिनको मिसिंग बताया जा रहा है, उनकी भी वहाँ पे मौत हो चुकी है और उनकी डेड बॉडी वहीं। उसके लिए जिला प्रशासन ने कल इसका रेस्क्यू चलाया था, और रेस्क्यू जब चला था तो उसके बाद जो शाम को मौसम खराब हो गया था, उसके बाद रेस्क्यू को रोकना पड़ा। और उसके बाद जो है आज सुबह जो है यहाँ पे दो चेतक हेलीकॉप्टर जो है, जो आर्मी के हेलीकॉप्टर है, उनको फिर दोबारा से रेस्क्यू पे लगाया गया है। और जो 4 बॉडियां अभी वहाँ पे मौजूद है, उनको लाने में पूरी कायात चल रही है, और जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार जारी है। मैं बता दूं, यहाँ पे ITBP, NDRF, SDRF, पुलिस विभाग के साथ साथ जो है वन विभाग सभी इस समय जो है इस रेस्क्यू पे लगे हुए हैं। जो 4 लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं, जो हमें सूत्र बताते हैं कि वो 4 लोग मिसिंग नहीं है, उनकी बॉडी वहीं पे पड़ी हुई है। जो 5 बॉडियां उन्होंने निकाल दी थी, मगर जो 4 बॉडियां और बची थी उनको थोड़ा, वो एक्चुअली क्या है तो जो हाइट वाला एरिया है वहाँ पे जो है, वहाँ पे जो है जब बारिश होती है तो बारिश के कारण जो है धुंध मच जाती है। जब धुंध होती है तो वहाँ पे 5 मीटर के आगे भी आदमी दूसरे को नहीं देख पाता है, तो उस ऐसे एरिया में वहाँ पे जो ऐसा एरिया है कि वहाँ पे जो है धुंध मची हुई है, और धुंध के कारण जो है वहाँ पे जो है उनको ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। और कल जो है रेस्क्यू जो धुंध के कारण फिर मौसम खराब हो गया था, बारिश लगी थी तो रोकना पड़ रहा, मगर आज सुबह जो है जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार यह है कि आज मौसम उस एरिया में पूरी तरह से क्लीन है, और जो चेतक के 2 हेलीकॉप्टर हैं आर्मी के, उनको जो वहां पे रेस्क्यू के लिए भेज दिया गया है। अभी हम देख रहे हैं कि उत्तरकाशी में लगातार जो है 2-3 बार जो है हेलीकॉप्टर इधर उधर जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है उनका रेस्क्यू अभी जारी है, और आने वाले वक्त में जो 4 लोग अभी भी जो मिसिंग थे, उनके जो मिसिंग जो लोग हैं उनकी डेड बॉडियों को निश्चित तौर पर, तो डेड बॉडी बन गई होगी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, तो उनको जो है रेस्क्यू किया जाएगा। चलिए ठीक है, महावीर राणा आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए।